हमारे जेल में जो बाहर पब्लिक के लोग है, कोई कोई गुनाह करके जेल में आते हैं, तो जेल में आने के बाद उसका धंधा बंद हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी जेल में नमकीन बनाए और यहाँ रोजगारी भी मिले, जेल के बंदीवान जेल के कैदी उसका टाइम पास भी हो जाए, यहाँ रोजगारी मिले, उस कमाए पैसा और बाहर छूटने के बाद वो खुद का धंधा करे, ये हमारी सोच है। तो आज इन 8 मिनट में आई है भावनगर के जिला जेल में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कैदियों द्वारा संचालित किचन में यहाँ पे स्नैक्स और नमकीन बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं, इसकी मेकिंग देखते हैं और सर से बात करते हैं। हमारे जेल में जो बाहर पब्लिक के लोग है, कोई कोई गुनाह करके जेल में आते हैं, तो जेल में आने के बाद उसका धंधा बंद हो जाता है, बेकार समय जेल में निकालते हैं। तो यहाँ छूटने के बाद बाहर कुछ करे, कुछ सीख के बाहर जाए और अपना खुद का धंधा कर सके। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी जेल में नमकीन बनाए और यहाँ रोजगारी भी मिले, जेल के बंदीवान जेल के कैदी उसका टाइम पास भी हो जाए, यहाँ रोजगारी मिले, उस कमाए पैसा और बाहर छूटने के बाद वो खुद का धंधा करे, ये हमारी सोच है। और गुजरात का विकास होगा, देश का विकास होगा। हमारे यहाँ तिक्की सेव है, चवाणु है, फर्शीपुरी है, शक्करपारा है, मकई, ओवा, फुलवड़ी और वना विभाग की शतरंजी है। ये शतरंजी खास के लिए पुलिस जवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर में गवर्नमेंट दफ्तर में हम यहाँ से बना के भेजते हैं। और हमारे जेल में जो महिला कैदी है, महिला कैदी के लिए भी हम अच्छी सोच रखी है। महिला कैदी जेल में है, उसके लिए बाहर से जो साड़ियाँ स्टॉल लगाने का, वो बाहर से परचेज करते हैं और उसको जो मजदूरी मिलती है उसके खाते में जमा करते हैं। तो सर प्राइस क्या रहते हैं इसके और कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्राइस के अंदर ऐसा है कि जो क्या माल हम लाते हैं बाजार से, वो ISI स्टैंडर्ड मार्क के वाले लाते हैं, कोई फिर से माल नहीं लाते। इधर बनाते हैं तो जो तेल एक बार यूज होता है, बाद में यूज का यूज नहीं करते, उसका वर्क ऑर्डर यही से निकालता है, कम से कम पब्लिक को सस्ता माल मिले ऐसे में बनाते हैं। और जो यहाँ हम ये सब बेचते हैं उसका जो प्रॉफिट 10% है, और ये हमारे गवर्नमेंट में नहीं जाते, कैदी कल्याण फंड में जाता है। जो प्रॉफिट होता है वो कैदियों के लिए ही है, सरकार का कोई जो भी खर्चा होता है वो निकाल के उसका जो भी प्रॉफिट होता है कैदी कल्याण निधि में जमा होता है, कैदियों के लिए है। इसलिए हमारा ये नम्र निवेदन है आप मीडिया के माध्यम द्वारा सब लोगों को ये सुझाव दो कि जो भी खरीदे वो कैदियों के लिए है, उसके रोजगारी मिलेगी और अच्छा नागरिक बने और कुछ कमा के जाए। तो हमारी जो पहचान करवाने वाले हैं यहाँ पे ओम भाई है, और इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और इन्होंने हमें इस शॉप के बारे में बताया। काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है, काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो चलिए हम भी अपने लिए यहाँ पे थोड़ा पैकिंग करवा लेते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। तो सर हमारे लिए लगा दीजिए। हाँ सेव है, तीखी सेव है सर, तीखी सेव, तीखी सेव है। आकार भुजिया, भुजिया सेव, चंपा कली है, चंपा कली, चंपा कली, और गाठिया है, रामनगरी का, ये आगे गाठिया, चेवड़ा है, चवाणा, चवाणा के तो है, फूल बड़े है, बरसी बोले, शक्कर मारा है, मकाई का पोहा है, मिर्ची। तो काठियावाड़ी लोग काफ़ी मिर्ची खाना पसंद करते हैं, काफ़ी मीठा खाना पसंद करते हैं। तो ये मेरी पैकिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो सर यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। भावनगर जिला जेल के पास हमारा सेल रूम केंद्र है, नजदीक में बस स्टैंड भी है और सेंट जेवियर स्कूल के पास में ये हमारा सेल रूम है। तो अगर आप भी कैदियों की मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भावनगर जिला जेल में आके यहाँ पे नमकीन ले सकते हो। तो मैं भी अपने लिए कुछ स्नैक्स पैक करवा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।